हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मुकेश कश्यप। कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और दूसरा कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप लोगों पर ये लागू होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब तक तुमने कुछ करा नहीं है, अब तुम पछताकर क्या कर रहे हो। लेकिन नहीं, मैं इससे उल्टा कहता हूं। मैं एक वर्ड और होता है, वो वर्ड कहता हूं। वो क्या होता है? जब जागो तभी सवेरा। एक महीना रह गया, क्या दिक्कत है? अगर आज तुम जाग चुके हो तो आज ही तुम्हारे लिए सवेरा। आज से अगर तुम काम करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, तो आपके लिए आज से ही इतना कुछ कर लोगे जो कि अब एग्जाम के अंदर बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसी आशा को अपने मन में लेकर आइए कि अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं गया है, अभी हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है ना, तो इसे स्टार्टिंग से इसी उम्मीद को लेकर हम आज की ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको 8.2 सिखाऊंगा। और 8.2 सिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ उससे रिलेटेड एक सारणी, जो कि एक सारणी होती है, आप याद नहीं कर पाते हैं, उस सारणी को कैसे बनाते हैं। वो सारणी क्या होती है आप समझ चुके होंगे मैं किस सारणी की बात कर रहा हूं। टेबल जिसके अंदर की हम वैल्यूज दी होती है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट की। ठीक है ना, तो वो कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लेना। कैसे याद करेंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, उसके अलावा अगर आपको याद नहीं भी हो पाती है तो आपको एग्जाम के शुरू होने से पहले काफी टाइम मिलता है, और रफ पेपर भी होता है उसके अंदर, तो रफ पेपर पर आप इसको इस तरीके से बना सकते हो जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं। एक होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, और उसके बाद होता है 90 डिग्री। यहां होता है थीटा, ये अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद यहां आता है साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा। ठीक है ना, फिर होता है सेक थीटा और कॉस सेक थीटा। इनको ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है आपको भी वैसे ही लिखना है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो अब इसको कैसे हमें बनाना है वो चीज हम सिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, ये कितने नंबर हैं, कितने कॉलम है, ये हमें देखना है। 1 2 3 4 5, कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। ठीक है ना, तो 5 कॉलम है, हमें इसमें पूर्ण संख्या देखनी है। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो हमें इसमें 0 भी इंक्लूड करना है। 0 इंक्लूड करेंगे, अगर हम देखें ये 0 है तो 0 ही से ही इंक्लूड शुरू करा हमने, तो 0 1 2 3 4, कितना नंबर आ रहा है? 4। अब बच्चे भूल जाते हैं कुछ कि 1 से स्टार्ट करना है तो 5 तक आएगा, लेकिन हमें 1 से स्टार्ट नहीं करना, हमें दे रखा है 0 है तो हमें कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। ठीक है ना, तो हमने लिखा 0 1 2 3 4, 4 नंबर लिख लिए। क्लियर, इसमें लास्ट में क्या नंबर दे रखा है? 4। जो लास्ट में नंबर दे रखा है 4, उसी से सबको हम कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे, 0 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। क्लियर, अब 4 से डिवाइड करने के बाद हमें एक काम और करना है, इस पर स्क्वायर रूट लगाना है सभी के ऊपर, ये काम हमको याद रखना है। ठीक है ना, ये काम हमने कर लिया। अब इसे करने के बाद जो वैल्यू कट रही है उसे काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कट गया। ठीक है ना, अब इसे करने के बाद अगर हम ध्यान दें तो देखो 0 बटे कुछ भी होता है उसका मान होता है 0। क्या होता है? 0। और 0 की 0 का रूट निकालेंगे वो भी क्या होगा? 0। तो 0 का रूट 0, ये जो वैल्यू फाइंड होगी 0, ये 0 वैल्यू, और इसके बाद 1 का किसका स्क्वायर रूट होता है? 1 का। 4 किसका होता है? 2 का। यहां से 1 है, 1 निकल आएगा, 1 रूट 2 पर से स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट नहीं होता किसी का, तो स्क्वायर रूट ना होने की वजह से रूट 3 ऐसे रह जाएगा। 4 है, 4 किसका होता है? 2 का, 2 आ जाएगा।
ठीक है ना। और यहाँ वन अपॉन वन मीन्स वन, और वन का स्क्वायर रूट किसका होता है, वन का ही होता है। तो ये जो हमें नंबर आए हैं, ये नंबर हमारे साइन के आए हैं, किसके आए हैं, साइन के। इनको हम लिख लेते हैं, जीरो यहां से कितना हो जाएगा वन अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, ये कितना है रूट थ्री अपॉन टू, और ये कितना है वन। क्लियर। अब हमें पता है कि साइन के मान हमारे सामने आ गए, अब हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें क्या करना है कि साइन और कॉस आपस में होते हैं अपोजिट, क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो जो 90 की वैल्यू है वो आ जाएगी जीरो की वैल्यू, जो 60 की वैल्यू है वो 30 की होगी, 45 की वैल्यू सेम है, 30 की वैल्यू 60 की हो जाएगी और जीरो हो जाएगी 90 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वन लिख देंगे यहाँ, रूट थ्री अपॉन टू लिख देंगे, वन अपॉन रूट टू आ जाएगा और ये वन अपॉन टू आ जाएगा, यहां से आ जाएगा जीरो। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ चुकी है और ये नीचे वाली बात भी समझ में आ चुकी है, तो हमारे पास दो मान आ चुके हैं, दो की वैल्यू हमारे पास पूरी पूरी आ गई है। अब आती है टेन की वैल्यू, तो टेन की वैल्यू टेन थीटा बराबर हमने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन साइन की वैल्यू ऊपर लिखो कॉस की वैल्यू नीचे लिखो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज साइन की वैल्यू अगर जीरो की रखेंगे, जीरो अपॉन वन, तो जीरो अपॉन वन अभी बताया था जीरो के अपॉन में कोई भी संख्या हो क्या होता है उसकी वैल्यू जीरो, गोल अंडा, ठीक है ना। तो जीरो अपॉन वन बराबर आ गया जीरो, ठीक है। अब हमें ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है मैं जो बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखना, हमें एक बटे दो बटे रूट तीन बटे दो नजर आ रहा है, हमने इस दो से दो को काट देंगे तो क्या नजर आ रहा है, एक बटे रूट तीन आ रहा, नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, एक बटे रूट तीन, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही वन अपॉन इतना दे रखा है, ये दे रखा है रूट टू से रूट टू कट जाएगा, वन अपॉन वन बराबर क्या आएगा वन, यहां से टू कट जाएगा, रूट थ्री अपॉन वन बराबर कितना आ जाएगा रूट थ्री, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि जीरो अपॉन वन बराबर तो होता है जीरो, लेकिन कभी भी कोई संख्या दे रखी हो और उसके अपॉन में जीरो हो तो उसका मान होता है डमरू, ये इस तरीके से डमरू होता है जिसे बोलते हैं हम इन्फिनिटी या फिर अनिश्चित या आप परिमित अनिश्चित बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम इन्फिनिटी, ठीक है ना, अनंत तक जाता है ये, अनंत को शो करता है ये, अनंत मीन्स जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनंत, ठीक है ना। तो मीन्स क्या है कि अगर किसी संख्या के बटे में जीरो है तो उसका वैल्यू हम कभी फाइंड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी। तो हमें वन अपॉन जीरो बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब इसके बाद जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो जैसे साइन वाली कंडीशन थी वैसे ही हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू इधर लिख देंगे, ये वैल्यू यहां लिखेंगे, ये लिखेंगे वन अपॉन रूट तीन, ये लिख देंगे और यहां आ जाएगा जीरो। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। अब ये बात समझ में आ चुकी है अगर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेक वाली वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालनी है हमें, सेक वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें फिर से पुराना वाला फॉर्मूला देखना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा, कितना होता है वन अपॉन कॉस थीटा। अब वन अपॉन कॉस थीटा मीन्स क्या है, जो भी कॉस की वैल्यू है वो वन के अपॉन में लिखते जाओ, या फिर अगर अपॉन में दे रखी है तो उसे उल्टा करके लिख दो। तो देखो क्या दे रखा है, वन अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है वन, वन अपॉन वन बराबर क्या होता है वन, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, मैंने कहा जब बटे वाली कंडीशन आया तो उल्टा करके लिख दो, तो उल्टा करके लिखोगे दो बटे रूट तीन, इसे उल्टा करके लिखोगे रूट टू अपॉन वन, वन को लिखते नहीं है, ये दो बटे एक बराबर दो हो जाएगा। अब यहां पर वन अपॉन जीरो होगा, तो वन अपॉन जीरो की मीन्स हमने क्या बताया था, इन्फिनिटी। क्लियर, अब कॉसेक देखना है, क्या देखना है हमें, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है सेक का उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे इन्फिनिटी इधर लिखेंगे, टू ये आ जाएगा रूट टू ये आ जाएगा और टू अपॉन रूट थ्री ये आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां से कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। इस तरीके से आपकी टेबल हो गई तैयार, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से टेबल जल्दी से बना लेंगे अपने
एग्जाम के अंदर, जिससे कि आप वहां से देखकर तुरंत एकदम इसको कर लें, ठीक है ना। ओके, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब हम आपको कराते हैं 8.2, ठीक है। रोकना जरा ऐसे, एक्चुअली क्या है ना, स्टार्ट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं 8.1। क्या स्टार्ट करते हैं? 8.2 सॉरी, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो 8.2 में फर्स्ट सम बोल रहा है आपके लिए साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो भाई, अब बहुत ध्यान से आपको देखना है, 2 मिनट के लिए बस केवल। क्या देखना है कि हमें ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है आपको, जो सारणी है सारणी के अंदर से जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, मल्टीप्लाई करनी है, और बीच में इसको प्लस दे रखा प्लस कर देना, माइनस दे रखा माइनस कर देना, और कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान सवाल है। क्या किया? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है वो आपको याद करनी होगी। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो अभी देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन जब कोशिश करोगे, लगातार सवाल करोगे, तो अपने आप याद हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई आ रहा है, ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 की √3 से। जब भी एक जैसे रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, अंदर की वैल्यू बचती है, तो √3 की √3 से होगी 3/2, कितना हो गया 4, प्लस 1 ही कम 1/2 × 4 बराबर। यहां से एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ रहा है इसका, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 बराबर, ये हमने देखा 4 हो जाएगा, अपॉन 4 × 4 = 4 बराबर 1, इसका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया आपको? 1 आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ठीक। जो भी अगर तुम्हें डाउट हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ कोई किसी शर्म की कोई बात नहीं है, कोई किसी को नहीं जानता। अगर आपने वीडियो देखी है, किसी को नहीं पता आपने वीडियो देखी या ना देखी, आपको अगर कोई भी चीज नहीं आती है बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो। सपोज आपको ये एलसीएम लेना नहीं आता, आप नीचे मुझे कमेंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं एलसीएम लेना आपको बिल्कुल सही से समझा दूंगा, ठीक है ना। मोस्टली बच्चों को होता है कि ये रूड आते के साथ परेशानी होने लगती है कि रूड आया, रूड को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आ रहा है आपको तो मुझे बिल्कुल प्यार से आराम से कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना, आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको पहला सम हो गया है। पहले सम का सेकेंड पार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। सेकेंड पार्ट दे रखा है हमको। अब थोड़ी सी स्पीड दिल ले लेते हैं हल्की सी। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 tan²(45 + cos²(30 - sin²(60 degree)। ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। अब ऐसे देने के बाद हमने क्या किया, वही आपको बताया हमने कि दो लिखा ऐसे ही लिखा रहने दो। tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1, और इसका दे रखा है स्क्वायर लिख देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर, क्लियर। अब ऐसा होने के बाद 2 × 1² + √3² अभी बताया था, स्क्वायर होने से रूट हट जाता है तो बचेगा हमारा 3, 2² हो जाएगा 4, माइनस ये कितना हमारा √3 का मतलब 3 और इसका मतलब 4। देखो 3/4 ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 2 × 2 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें थर्ड दे रखा है। सपोज थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos 45/sec 30 + cosec 30, ठीक है। अब हमने देखा कि हमें
कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग में sec और cosec की वैल्यू याद करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आप साइन याद कर लेते हो, cos याद कर लेते हो, tan याद कर लेते हो, cot याद कर लेते हो। अब हमें sec और cosec की वैल्यू याद नहीं हो पाती है क्योंकि वहां पर 2√2 2/√3 ऐसे संख्या आ रही होती है, ठीक है। तो हमने जैसे ही देखा sec है, sec 30 है, sec 30 का मतलब हम sec 30 मत देखो, उसे समझ लो क्या चीज, cos 30। क्या समझेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बड़े दिमाग से समझना। हम sec को क्या देखेंगे, sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। अब cos की जो वैल्यू से उल्टा करके लिख दो, √3/2 है तो 2/√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, ठीक है। और प्लस अब sec 30 है, sec 30 क्या होता है, cosec 30, इसको साइन मान लो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसे उल्टा कर दो, 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर। याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अब सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने 1/√2 इसकी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है √3, क्या एलसीएम आ जाएगा इसका √3, 2+√3 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3, ठीक है। इसकी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले की चौथे से मल्टीप्लाई हो जाती है, दूसरे की तीसरे से मल्टीप्लाई होती है, तो पहले की चौथे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी √3/, नीचे हो जाएगा हमारा √2 और ब्रैकेट के अंदर 2+√3, ठीक है। अब ये आंसर हो जाएगा इसका, या फिर आंसर क्या हो सकता है, अंदर मल्टीप्लाई होकर होगा। तो यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं क्योंकि इससे आगे सॉल्व करोगे आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, साइन 30 + tan 45 - cos sec 60 / sec 30 + cos 60 + cot 45, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60, cosec 60 की वैल्यू नहीं याद, तो cosec 60 को क्या मानेंगे, साइन, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसे उल्टा करके लिख देंगे 2/√3/ sec 60, sec 30, sec 30 है, sec 30 की वैल्यू आपको नहीं पता, तो sec 30 की जगह क्या देखेंगे आप, cos, cos क्या होता है हमारा 30, cos 30 होता है हमारा √3/2, उल्टा करके लिखेंगे 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, और साथ में प्लस cot 45 की वैल्यू 1, ठीक। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा √3, प्लस यहां बटे में कुछ नहीं है तो जो वैल्यू दे रखी है वो पूरी की पूरी आ जाएगी 2√3, और माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 2 = 4 या 2 2 = 4, ऐसे ही यहां से एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब यहां से √3 कटा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 2 = 4, प्लस 2 से कटा, 3 की √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3, और उसके बाद माइनस प्लस, ठीक है, ये यहां पर बटे में कुछ नहीं है, पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 2√3, ठीक है। अब इस तीसरी वाली दूसरी कंडीशन से चौथी कंडीशन कट जाएगी। अब हमारे पास क्या हुआ कि √3 √3, 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3√3, और माइनस 4 बटे, यहां से देखेंगे तो ये भी हमारा 3√3 हो रहा है और प्लस 4 हो रहा है। हम क्या करेंगे, पहले 3√3 को लिख लें और प्लस 4 लिख लें। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात अगर समझ में आ चुकी है आपको तो हम इसको बिगाड़ देते हैं इधर से, जरा ध्यान देना, या तो आंसर आ रहा होगा यहीं पर, या आंसर कहां आएगा, आएगा आंसर तब जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो तब हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कंजुगेट से। कंजुगेट क्या होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वही वैल्यू हम दोबारा लिखते हैं और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, बस उसके अंदर डिफरेंस ये होता है जो नीचे साइन दे रखा है वो साइन चेंज कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा कि √3 √3 और 4 लिखेंगे
थ्री रूट थ्री और फोर लिखेंगे, बीच में यहाँ प्लस था, माइनस लगा देंगे, बस क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लगा देते, इतनी सी बात हमें करनी है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? हमेशा जब भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। एक बार प्लस है देखो और एक बार माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हमेशा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर माइनस दे रखा है देखो ध्यान से, ये हमें दे रखा है ए माइनस बी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है क्या बनेगा, ऊपर बना हमारे पास रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को खोलेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस टू a और साथ में क्या होगा b अपॉन नीचे पहले का स्क्वायर, मतलब तीन का स्क्वायर कितना होता है, तीन तिया नौ, इतनी बात सोच लो, केवल नौ आ गया हमारा। अब रूट तीन का भी स्क्वायर करना, रूट तीन का स्क्वायर क्या होगा, तीन, तीन और उधर क्या था नौ, नौ और तीन की कर लिया हमने आपस में मल्टीप्लाई, तो नौ तिया कितने हो जाएंगे, सत्ताईस, कितना आ जाएगा इसका, सत्ताईस माइनस चार का स्क्वायर, चार चौक सोलह, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर इसका किया था वही चीज ही आ रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारा, सत्ताईस प्लस चार चौक सोलह माइनस चार दूनी कितना हो गया आठ और आठ तिया चौबीस, कितना हो जाएगा ये, चौबीस रूट तीन बट्टे में कितना हो गया, सत्ताईस घटाओगे इसमें से बचेगा ग्यारह, क्या बचेगा ग्यारह। अब ये दोनों हम प्लस करेंगे, छह और सात तेरह हासिल लगा, एक कितना हो गया तैतालीस माइनस चौबीस रूट तीन और अपॉन कितना है ग्यारह, ये आंसर आ रहा होगा। इससे ज्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते, या तो ऐसे आंसर आ रहा होगा या फिर वन अपॉन इलेवन कर लेंगे, यानी कि इस वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो वन अपॉन इलेवन हो जाएगा, 43 माइनस 24 रूट थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर दोबारा से देख सकते हैं आप, उसे फिर से समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, फाइव कॉस स्क्वायर 60 प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। देखें बच्चे क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पांच ऐसे लिखा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec 30 नहीं याद तो cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री अपॉन टू, तो रूट थ्री अपॉन टू को उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट थ्री और इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस टेन, 45 की वैल्यू 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन नीचे साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे इसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन नीचे वही चीज 1 अपॉन 4 और प्लस 3 अपॉन 4, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब यहां से 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 बीच में प्लस है, ठीक है। अपॉन ऐसे ही यहां करेंगे, अपॉन वाली वैल्यू में इसका क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आया 4, ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो चार तिया हो जाएंगे 12, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12, तीन से इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 पंजे 15 प्लस 4 16 चौका 64 बटे में कितना है हमारे पास 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, कट गया। अब इसको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 और 7 79 अपॉन 12,
ठीक है ना, ये आ जाएगा 79/12। इसको ऐसे ही लिख देंगे या फिर क्या करते हैं हम सही बटे में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सही बटे में? क्योंकि हम अंश और हर में जब कोई संख्या दे रखी होती है तो अंश को हर से हमेशा छोटा लिखते हैं, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें 12 से बड़ा नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको सही बटे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 12 लिखकर 79 को डिवाइड करेंगे। 12 5 60, 12 6 कितना होता है 72, इसमें से घटाया बचा 7, यानी कि 6 सही 7/12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 सही 7/12, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? ओके, ये आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट दे रखा है 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30 degree। ठीक है, बराबर है, इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इनके अंदर से कौन सा विकल्प सही है, ये चीज हमें देखनी है। अब हमें पहले तो इसे सॉल्व करना होगा, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखेंगे, देखो भैया 2 × 10^30 की वैल्यू कितनी होती है? 10^30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 plus 10^30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर। अगर हम इसे देखें तो 2 upon √3 upon 1 plus 1 का square 1 √3 का square 3। ठीक है ना, अब इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं 2 upon √3 upon, यहां से 3 लिया एलसीएम, 3 × 3 + 1 = देखो हम क्या करते हैं, पहले की चौथे से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 3/1 इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे हमने जोड़ दिया कितना हो जाएगा 4 और साथ में कितना है √3। देखो 2 × 4 कट गया। अब हमने देखा क्या दे रखा है, √3 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है ना, अब बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से देखना, हम दो तरीके से कर सकते हैं इस जगह से सॉल्व। हम कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका कि हम नीचे की तरफ कभी रूट नहीं छोड़ते, अगर रूट छोड़ते हैं, रूट होता है नीचे, तो उसी रूट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो पहली तरीका तो ये हो जाएगा, हमने √3 नजर आ रहा था, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर √3/2, ये आ जाएगा। क्लियर? ओके, पहला तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, कि 3/2 √3 दे रखा था हम, इस अभी हमें बताया था आपको कि जब दो एक जैसे रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, संख्या बचती है, तो हम ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी 3 होगा, और अपॉन 2√3 इससे कट जाएगा, बराबर क्या बचा हमारे पास? √3/2। ठीक है ना, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक है, अब ये वैल्यू आने के बाद अब हम देखेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शन हमारे पास पहला है, पहला ऑप्शन दे रखा है sin 60। कितना दे रखा है? sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, जरा ध्यान देंगे, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या √3/2 आ रहा है, तो ये उत्तर हमारा सही होगा। सेकंड देख लेते हैं, आपको सभी के सभी ऑप्शंस बता रहा हूं, इसलिए cos 60 दे रखा है। क्या दे रखा है? cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्या दे रखा है हमको? tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि √3/2 है। ठीक है, और डी ऑप्शन कितना दे रखा है हमारे पास? sin 30। कितना दे रखा है? sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये भी हमारा गलत है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने इसे देख लिया है तो अगला जो सवाल है सेकेंड, ये आपको करना है 1 − 10^2 = 45 upon 1 + 10^2 = 45। करने का तरीका बता देता हूं, करना आपको है।
टेन पैतालीस की वैल्यू रखोगे वन होती है, देखो आंखों आंखों में सॉल्व हो गया, इसका उत्तर एक बटे दो आ रहा है, इसका उत्तर क्या आ रहा है, सॉरी एक बटे दो नहीं आ रहा है, इसका उत्तर आ रहा है जीरो। क्या उत्तर आ रहा है इसका, जीरो। कैसे आ रहा है जीरो, देखो हमने वैसे ही बता दिया जीरो आ रहा है, कैसे आया, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, वन में से वन घट गया तो कितना आया जीरो। अब ऊपर जीरो आ रहा है, हमने बताया था जीरो बटे कुछ भी हो उत्तर क्या आएगा, जीरो। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू देख ली, बस केवल जीरो है तो जीरो बटे जीरो बराबर जीरो, करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन है तो ऑप्शन तो हमें ऐसे लगा के आना है, अगर आप करके आते हो तो अच्छी बात, नहीं करके आते हो तो जीरो उत्तर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन उसने दे रखा, अच्छा क्वेश्चन है जरा आप लोगों की दृष्टि से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि साइन टू ए बराबर दे रखा है हमें टू साइन ए, ठीक है, साइन टू ए बराबर टू दे रखा है टू साइन ए, तब सत्य होता जबकि ए बराबर होगा जीरो डिग्री, तीस डिग्री, पैतालीस डिग्री, साठ डिग्री। एक मैं रख कर दिखाऊंगा, बाकी तीन ऑप्शन आपको करके देखने हैं। पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है जीरो डिग्री, हमें पहले ऑप्शन में इसने ए के अंदर दे दिया जीरो डिग्री, तो हमें ए की जगह जीरो रख देना है। देखो साइन क्या रखेंगे, टू इंटू जीरो बराबर टू साइन, ए की जगह क्या रख देंगे जीरो। अब देखो साइन जीरो से मल्टीप्लाई होगी जीरो, टू साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी चलो मैं ही करके दिखा देता हूं, कभी आपको हो कि सर ने करके नहीं दिखाया, तो क्या हो जाएगा, दे रखा है 30 डिग्री, क्या दे रखा है 30 डिग्री, यहां लिखेंगे साइन 2 इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे 30 बराबर 2 साइन, और यहां ए की जगह 30, ठीक है, यहां से हो जाएगा साइन 30 दुनी 60 बराबर 2 गुणा 1 बटे 2, 30 की वैल्यू से कट जाएगा 2, साइन 30 साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू बराबर यहाँ बचा वन, क्या हमारा एक जैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन मैंने करके दिखा दिए, तीसरा आप करके देखेंगे, वैसे तो करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा यहीं पर उत्तर सही पता चल गया है कि सही उत्तर क्या है, जीरो डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, चौथा पार्ट इसका खुद करना है, ठीक, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है यदि tan a प्लस बी बराबर दे रखा है रूट तीन और दे रखा है हमको tan a माइनस बी बराबर दे रखा है हमको वन अपॉन रूट तीन, तो हमें बताना है, क्या बताना है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, और इसने कंडीशन दे रखी है जीरो डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी और स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में हमें ए है जो बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन हमको दे रखी है, क्लियर। इस चीज को कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसे मत देखो, कुछ मत देखो कंफ्यूजन करने के लिए, आप बिल्कुल सवाल देखो, क्या दे रखा हमें tan a प्लस बी बराबर रूट तीन, क्लियर। हमने देखा tan a प्लस बी बराबर tan के अंदर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, tan के अंदर रूट थ्री वैल्यू होती है tan 60 की, किसकी होती है tan 60 की, इसकी जगह tan 60 लिख सकते हैं, यहां tan दोनों तरफ बराबर के इधर उधर tan नजर आ रहा है, इसको भूल जाओ, हमें दिख रहा है अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर कर लो फर्स्ट, क्लियर। अब इसी से हमने दूसरा वाला पोर्शन उठाया a माइनस बी बराबर 1 अपॉन रूट थ्री, क्लियर। अब tan a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होती है tan 30 की, किसकी होती है tan 30 की, tan गायब हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड, दो इक्वेशन हो गई। अब समीकरण एक और समीकरण दो है, समीकरण एक दो को सॉल्व कर लो, लिखोगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है 60 और a माइनस बी बराबर दे रखा है 30, ठीक है,
इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, घटाने पर जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर हो जाएगा बी कट जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा 90, a बराबर हो जाएगा 90 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, यानी कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण एक में या दो में किसी में भी रख दो, तो लिखोगे a का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखने पर किसमें रखने पर ठीक है क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60, तो a की जगह कितना रखेंगे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, और यहां से b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू इसमें से घटाओगे 15 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। तो आपकी ये 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है जो कि आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसके सही गलत है, मतलब क्या है सत्य सत्य है, ये आप कर लेंगे। अगर नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए अच्छी लगी हो तो, और अगर समझ में ना आया हो तो इसको फिर दोबारा से देखना, इस वीडियो को कई बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है, किसी को कुछ पता नहीं है, आप इसे कभी भी देख सकते हो ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।